वेलकम बैक गाइस, माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो आज का व्लॉग पूरा देखना क्योंकि आज के व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरे यहाँ जो कि छोटे छोटे पिल्ला हैं जो कि एक बठिया हुए हैं, चलो आपको दिखाएंगे। तो सौरभ ने कहा आप पालोगे, तो यानी मैं पालूंगा तो वैसे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पालने के लिए और बहुत ही उनकी देखभाल ना कर पाओ तो उन्हें पालना बेकार है। लेकिन फिर भी मम्मी से चलकर पूछते हैं कि मम्मी फिर मम्मी मैं एक पिल्ला पालना चाहता हूँ, मैं पाल लूँ क्या? यानी तो मम्मी रखते हैं, मम्मी का क्या रिएक्शन आने वाला है? पहली बात तो मम्मी मना कर देंगी, मुझे पूरा पता है, लेकिन मैं पालूंगा नहीं वैसे भी यार, क्योंकि उन्हें पालने के लिए एक बढ़िया घर होना चाहिए, जो कि हम लोग तो घूमने के लिए जाते रहते हैं तो उनकी देखभाल भी ज़रूरी है। तो हम अभी तो नहीं लेकिन आगे चल के पालेंगे, जो कि आप लोगों को ब्लॉग देखते रहोगे तो पता ही चल जाएगा। और अगर आप भी शौकीन हो इनका ना कुत्ता पालने के तो हमें कमेंट में जरूर से बताना, या आपके पास पहले से है किस कलर का है वो भी बता देना, और वो पिल्ला कहाँ है सब कुछ दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब देखते हैं मम्मी नीचे क्या कर रही है, और चलो मम्मी से पूछते हैं जो मम्मी का कैसा रिएक्शन आने वाला है। तो चलो चलते हैं नीचे। तो गाइस अब मम्मी से पूछते हैं कि पिल्ला पाले या बहन दे, हाँ पिल्ला पाला है இல்ல ராமதேவ் பாலனுக்கு கவுன் சமரி ஐசி வேற ठंड होती है हमारी कौन नो गाइस हमें पता था नन नन पिल्ला उन्हें हमारी कौन हमारी अगी मुत्ती है और हम जेंडर गाइस ये जेंडर मुकाज ठंड इतनी है। हाँ तो गाइस मम्मी हमने की मम्मी मनाई कर देंगी फिलहाल, क्योंकि हम भी आना हमारे जेंडर अभी घूमने के लिए जाएंगे राजस्थान और जगह, लेकिन हम लोग पिल्ला में बाद जब बड़े हो जाए घर बनवा लें फिर तो पिल्ला पाल लेंगे। फिर पलिया वो भाई नहीं था नहीं, अब हम ना हमारी पे कौन हमारी मत जाड़े पाले में ठंडे में, और हमारी तो विषय नहीं ले था हमारी में। हाँ तो गाइस मैं अपने बड़े विजयी होते हैं पलिया वो नहीं पालन नहीं है। हाँ तो गाइस कन्हैया यानी जब आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो आगे पिल्ला पालेंगे हम। वो सौरभ जो सौरभ यानी सौरभ को सौ कहें इसका कहने की सौरभ है ना, वो जय है सौरभ सौरभ जोशी ना सौरभ यादव जोशी सौरभ यानी मेरे चाचा के लड़के मेरे भाई समझो, इन्हें बहुत ज़्यादा पिल्ला से प्यार करते हैं तो ये पालेंगे हम लोग आगे पालेंगे अभी या नहीं मान लो वहाँ दिक्कत हो जाती है, मान लो हम लोग घर पर नहीं रहेंगे उन्हें संभालेगा कौन फिर मतलब भाई पी कौन करी हमें भैया नहीं हमारे मिली। हाँ उनकी सेवा तो करने करी हमें दिखाए, चलो हम दिखाओ चलो कितने बड़े बड़े हैं तुम लोगों ने दिखाओ कता ही नन्हे नन्हे। तो गाइस देख सकते हैं ये चार पिल्ला हैं जो कि दो काले हैं दो भूरे हैं, दो भूरे मेरे हाथ में हैं और दो काले सौरभ के पास में हैं, क्योंकि यानी जेंडर वीडियो बना रहे थे तो हमने वहाँ आवाज़ नहीं डाली अलग से जा रहे हैं, तो फिर मैंने यार इन्हें ज़मीन पर रख दिया यार, क्योंकि ये भी परेशान हो रहे हैं कि मुझे फिर फिर उठाते हैं ये छूते हैं, फिर हमने भी चलो आपको ज़मीन में रख कर इनकी वीडियो बनाते हैं। देख सकते हैं यार ये खेल रहे हैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताओ जल्दी से, आपको कौन सा पिल्ला सबसे अच्छा लग रहा है कमेंट करो, और अभी तो मैं नहीं पालूंगा यार लेकिन आगे चलो। तो गाइस अभी हम और सौरभ आ चुके हैं नहर पर घूमने के लिए, तो हम लोग बात करते हैं जैसे सौरभ को देख सकते हैं इन्हें पिल्ला पालने का बहुत ज़्यादा शौक है, और ये जब तब कहते रहते हैं अपनी मम्मी से कि मैं पिल्ला पालूंगा, लेकिन घर वाले हमारे लोगों के पिल्ला पालने नहीं देते जब मम्मी ने मनाही कर दिया, क्योंकि यार अभी हम लोग भी प्रेशर नहीं डालते कि पिल्ला पालेंगे, लेकिन आगे चल हमारा और सौरभ दोनों जने मिल के दो पिल्ला लाएंगे जो कि मोल लेके आएंगे बढ़िया, यानी छोटे कद के मुझे और पसंद है वो सफ़ेद कलर के होते हैं, तो भाई हमारा सौरभ लाएंगे बहुत जल्दी लाने वाले हैं, लेकिन आप लोग कितने शौकीन हो पिल्ला पालने के, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास होंगे तो कमेंट में बता सकते हो। तो वो दिखाई दे रहा होगा सौरभ गए गन्ना तोड़ने के लिए, यानी सौरभ ही चूसेंगे, देखो वो आ रहे हैं चूसते हुए दिखाई दे रहे होंगे, मैं गन्ना इतना ज़्यादा नहीं चूसता। तो गाइस सौरभ गन्ना तोड़ रहा है जो कि चूस रहे हैं आप लोग देख ही सकते हैं, मैं गन्ना नहीं चूस पाता, जब मैं छोटा था यानी तो मेरे पापा गन्ना छीनते थे तो मैं वहाँ पर जाता तो यानी गन्ना जो छोटे गन्ना होते ना जिन्हें दुड़िया हम लोग बोलते उसे मैं चूसता था, अब नहीं चूसता बहुत दिन हो गया मैंने गन्ना साल में बीते तो ऐसे गन्ना नहीं चूसा है, क्योंकि जिस चीज़ को आपको खाने में तकलीफ होती हो यानी मेरा मुंह नहीं खुलता जिस वजह से मैं गन्ना नहीं खाता हूँ, जिस चीज़ को यार आपको खाने से तकलीफ होती है फिर उसकी आदत आपकी छूट जाती है ना, जैसे अब ये मान लो गन्ना चूसे अब मेरा मन भी नहीं करता है गन्ना चूसने को, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ गन्ना का स्वाद कैसा होता है कैसा नहीं,
क्योंकि जब किसी चीज से आप जिससे आपको परेशानी होती है वो चीज छूटी जाती है ना। तो हम नहर पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं नहर में पानी है या सूख गई है, तो हम नहर पर चलते हैं। गाइस देख सकते हैं नहर का पानी जा चुका है, हम लोग नहर के अंदर ही घूम रहे हैं। हमारा सौरभ सौरभ आ गया, नहीं तुम कहो फिर आए नहीं, हम तो हमारा सौरभ है। और इसकी गहराई आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गहराई है, अब इस वक्त सूखी है तो देख ही सकते हैं आप लोग। तो गाइस देख सकते हैं हमारा सौरभ नहर के अंदर ही है इस वक्त, क्योंकि पानी जा चुका है तो हमने भी चलो नहर के अंदर भी दिखा देते हैं। तो ऐसे घूमने आए थे यार, बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। और हम लोग घर के लिए चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर से करना। तो जय हिंद जय भारत।